लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अपना हो या किराए का घर, वो जगह है जहां आप खुद को रिक्रिएट करते हैं। एक तरफ जहां पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो महलनुमा घर होने के बावजूद आउट हाउस बनवाते हैं। दोनों ही श्रेणी में आने वाले लोगों को महीने या हफ्ते का कुछ वक्त अकेले या सिर्फ पार्टनर के साथ बिताना पसंद होगा। इस घर में शायद वो सारी खासियतें हैं जो एक आम से लेकर खास इंसान को इम्प्रेस कर दे। महज 160 स्क्वायर फीट का यह घर 18 फुट टेलर पर खड़ा किया गया, जिसमें चक्के भी लगे हैं। बाहर से देखकर बेशक अंदाजा मुश्किल है कि आखिर इसके अंदर कोई आराम से कैसे रह सकता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर झांकेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसका इंटीरियर इस तरह डिजाइन किया गया है कि कम से कम एक इंसान तो इस घर में आराम से रह सकता है। इसे डिजाइन विजार्ड कंपनी टाइनी लिविंग ने तैयार किया है। यह केवल बाहर से ही प्यारा नहीं बल्कि अंदर से भी दिलकश है। इंटीरियर को और भी ब्राइट और हवादार बनाने के लिए इसमें ढेर सारी खिड़कियां बनाई है। इस छोटे से घर में एक बेडरूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग स्पेस है। पूरा घर लकड़ी से बना है और इसमें जरूरत का हर सामान आपको मिल जाएगा। इस घर के हर हिस्से को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मेन डोर के ऊपर बनाए गए इस स्पेस में आप पौधे रख सकते हैं या फिर सामान स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह इस टेबल का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, स्टडी टेबल की तरह भी कर सकते हैं। किचन में इतने सारे स्टोरेज कैबिनेट हैं कि आप सब कुछ सहेज कर सकते हैं और बिना सामान बिखेरे कुकिंग कर सकते हैं। बाथरूम भी इतना क्यूट है कि जिन लोगों को नहाने से एलर्जी है वो भी खुद को रोक न पाएंगे। छोटा होने की वजह से इसकी साफ सफाई भी आसान है। ऊपर वाले हिस्से में सोने की जगह बनाई गई है जिसमें किंग साइज बेड आराम से फिट हो जाएगा। ऐसे घर की एक और खासियत यह भी है कि आप आउट हाउस की जगह इस हाउस ऑन व्हील को पार्क कर दें, जब भी अकेले रहने का मन करे इसमें रह सकते हैं। वहीं ट्री हाउस के शौकीन बच्चों के लिए भी यह ऑप्शन मजेदार हो सकता है।